हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी। दुबई में मिली लावारिस हजारों लग्जरी कारें, अरबों रुपए है कीमत। कुछ लोगों को लग्जरी व महंगी कारों में घूमने का शौक होता है तो कुछ काम चलाने भर के कारों के इस्तेमाल से ही खुश नजर आते हैं। लेकिन कुछ कार लवर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास भले ही महंगी कारों को खरीदने लायक पैसा नहीं होता, फिर भी वे कुछ भी करके अपनी पसंदीदा महंगी कारें खरीद लेते हैं। लेकिन दुबई में बीते कुछ सालों से कुछ ऐसा हो रहा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां दुनिया की सबसे महंगी कारें लावारिस हालत में कबाड़ की तरह यहां वहां खड़ी मिलती हैं। बीते कुछ सालों में ऐसी हजार लावारिस कारें मिली जिनकी कीमत करोड़ों में है। जिन कारों को खरीदने के सिर्फ आप सपने ही देखते होंगे, वो अगर रोड पर कबाड़ की तरह सड़ रही हो तो आप क्या करेंगे? बीते कुछ सालों में दुबई पुलिस ने लावारी कारों के 3000 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। इसमें 23 कारें दुनिया में सबसे महंगी थीं, जो ज्यादातर यहां के एयरपोर्ट पर पाई जाती हैं। एक के बाद एक ऐसे हजारों मामले सामने आने के बाद यह पता चला कि कारों के लावारिस मिलने के पीछे की वजह है दुबई में लागू शरीयत कानून। शरीयत कानून के मुताबिक अगर आप चेक या उधार पर कोई कार लेते हैं और चेक बाउंस हो जाता है तो आपको जेल जाना पड़ता है। कुछ लोगों ने इस कानून का मजाक बनाते हुए फर्जी चेक लगाकर ये कारें खरीदी, इन महंगी व लग्जरी कारों में जमकर घूमे और जब चेक बाउंस हुआ तो इन्हें लावारिस हालत में छोड़कर कहीं दूर चले गए। दुबई के एक एयरपोर्ट पर 5 करोड़ की कीमत वाली फेरारी एंजो सुप्रकार भी लावारिस हालत में मिली थी। कबाड़ की तरह धूल खा रही इस कार के ना तो मालिक का पुलिस को पता चला और ना ही इसके रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी हासिल हुई।